नमस्कार जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय। इस वक्त की सबसे बड़ी और ताजा अपडेट निकल कर आ चुकी है। फिर छिड़ी जंग दोस्तों, गाजा पट्टी में फिर गरजे यहाँ पर दोस्तों इजराइल के लड़ाकू टैंक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देना चाहते 32 मिनट में इजरायली तोपों ने वो हमला किया कि यहाँ पर 57 फिलिस्तीनी और हमास के बड़े आतंकी ढेर हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ताज़ा अपडेट निकल कर आ रही है। पूरी खबर देखने से पहले लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। फिर गर्जी इजराइल की तोपें गोले बरसे इतने तेजी से कि 32 मिनट में साफ हो गए दोस्तों 57 हमास के बड़े आतंकी यहाँ पर ढेर हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं जिस तरीके से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जंग चल रही है, अब जो है इजराइल की थल सेना उतर चुकी है दोस्तों मोर्चा संभालने के लिए। वहीं बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है दोस्तों, हमास ने साफ कर दिया है कि वो दोस्तों यहाँ पर जो है दोस्तों खत्म होकर ही रहेगा, यानी कि हमास के पूरी तरीके से सूपड़े साफ होने तय माने जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ इजराइल की थल सेना ने दोस्तों यहाँ पर मोर्चा संभाल लिया है। 3 दिन पहले ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ शब्दों में कहा था कि अब जो है थल सेना मोर्चा संभालेगी और वही हो रहा है। गाजा पट्टी में यहाँ पर इजराइल की थल सेना उतर चुकी है तोपे लेकर, टैंक लेकर, मिसाइलें लेकर, और एक ही बार में दोस्तों बताया जा रहा है कि 32 मिनट में जो है दोस्तों थल सेना की तरफ से जो गोले बरसाए गए, तोपों से जो गोले बरसाए गए, उसमें हमास जो कि एक आतंकवादी संगठन है इसके लगभग जो है 32 से ज़्यादा, जी हाँ दोस्तों 40 के आसपास इसके बड़े आतंकी कमांडर ढेर हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता देना चाहते हैं अमेरिका के द्वारा भेजे गए 5,500 करोड़ रुपये के हथियार पहुँचे इजराइल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं 4 दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका को 4,000 यहाँ पर लगभग 5,400 यानी कि 5,400 करोड़ रुपए के हथियार भेजे थे, वो अब पहुँच चुके हैं इजराइल और इजराइल के हाथ हो चुके हैं पूरी तरीके से मजबूत। अब जो है यहाँ पर इजराइल आसानी से दोस्तों अपने मजबूत हाथों से हमास जो कि एक आतंकवादी संगठन है दोस्तों फिलिस्तीन का, इसको पूरी तरीके से खात्मा कर देगा। जी हाँ, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ शब्दों में कहा था कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा जब तक चाहे किसी भी सुरंग में आतंकवादी घुस जाए, चाहे पाताल में घुस जाए। इजराइल के लड़ाकू विमान तैयार है दोस्तों, इजराइल की मिसाइलें तैयार है, इजराइल की जो यहाँ पर थल सेना की जो आर्मी की तोपें हैं वो पूरी तरीके से तैयार है। अब तो गाजा पट्टी में दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर घातक जंग दिखाई है इजराइल ने, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि लगभग 40 के आसपास जो है हमास के बड़े आतंकी ढेर हो चुके हैं और कई सुरंगों तबाह कर दिए। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से दोस्तों पिछले 12 दिन से ये जंग चल रही है उसमें इजराइल के लड़ाकू विमान ने सभी जितने भी यहाँ पर दोस्तों हमास के आतंकवादियों ने सुरंग बना के रखी थी सभी को तोड़ फोड़ दिया है, तबाह कर दिया है यहाँ पर एक तरीके से हमास के सभी आतंकियों को, और पूरी तरीके से जकजोर के रख दिया है फिलिस्तीन और उसके आतंकी आका हमास के संगठन को। अब आने वाले वक्त में हमास के लिए वक्त और बुरा हो सकता है क्योंकि इजराइल पूरी तरीके से इस वक्त जो है दोस्तों खतरनाक मूड में है। इजराइल के प्रधानमंत्री किसी भी वक्त बड़ा आदेश दे सकते हैं दोस्तों हमास जैसे आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए। तो तीसरी तरफ आपको बता देना चाहते हैं, पाकिस्तान और तुर्की बहुत ही ज़्यादा उछल कूद कर रहे हैं अभी भी जो दोस्तों इनकी जो मिर्ची लगी हुई है इमरान खान और तुर्की के राष्ट्रपति को दोस्तों, ये ठंडी होने का नाम नहीं ले रही है, यानी कि तुर्की के राष्ट्रपति और पाकिस्तान को दोनों का है जो इजराइल अगला नंबर लेगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जंग खत्म होगी तो क्या अगला नंबर पाकिस्तान और तुर्की का है, क्या तुर्की को तबाह कर देगा यहाँ पर इजराइल, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से तुर्की ने जो है लगातार मुस्लिम देशों पर दबाव बनाने की कोशिश की, रूस को फ़ोन किया इजराइल पर अटैक करवाने के लिए, और जिस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू की व्यू रचना, जी हाँ जिस टेक्नोलॉजी और जिस दिमाग से यहाँ पर इजराइल ने युद्ध लड़ा है वाकई काबिले तारीफ है दोस्तों। सिर्फ 70 से 80 लाख जनसंख्या है इजराइल की, एक छोटा सा टुकड़ा है दोस्तों इजराइल, इसके बावजूद 57 अरब कंट्रीज़ को यहाँ पर दोस्तों झुका दिया, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जाकर इजराइल से पंगा ले ले। अकेला एक छोटा सा देश ने दोस्तों जो काम यहाँ पर करके दिखाया है आतंकवादियों के खिलाफ, जिस तरीके से हमास जो कि एक आतंकवादी संगठन है उसके खिलाफ मोर्चा छेड़ा यहाँ पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने, काबिले तारीफ है। यहाँ पर इजराइल ने जो पावर दिखाया है, जो शक्ति प्रदर्शन किया है, जिस तरीके से दोस्तों एयर स्ट्राइक किए, ताबड़तोड़ सुरंगें तोड़ी है, और जिस तरीके से अब गाजा पट्टी में इजराइल की तोपें घुसी हुई है, वो लगता है कि अब दुश्मन का खात्मा करके ही लौटेगी, क्योंकि काबिले तारीफ काम कर रही है यहाँ पर इजराइल की एयरफोर्स और इजराइल की थल सेना। अब आने वाले वक्त में जंग और ले सकती है विकराल रूप अगर नहीं कूदे दुनिया के दूसरे देश। जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि अब जंग जो है दोस्तों और भी ज़्यादा विकराल रूप रह सकती है अगर दुनिया के दूसरे देश शांति समझौता नहीं करवाते हैं, सीज फायर नहीं करवाते हैं, तो दोस्तों ये जंग और बढ़ सकती है। यहाँ पर हमास के कई आतंकवादी ढेर हो चुके हैं, बच्चे कुछ आतंकवादी अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे हैं,
ऐसे में सबसे बड़ा सवाल निकल कर यही आता है कि अब अगर दुनिया के दूसरे देश जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, रूस, हिंदुस्तान और ये जो है यहाँ पर शांति समझौता करवाने के लिए नहीं कूदते हैं बीच में, तो इसराइल जो है बिल्कुल पूरी तरीके से सफाया कर देगा यहाँ पर हमास और उसके तमाम आतंकवादियों का। दोस्तों ये 2014 में भी इन दोनों देशों के बीच में जंग छिड़ी थी, उसमें भी दोस्तों फिलिस्तीन को मुँह की खानी पड़ी थी और एक ही झटके में असली औकात बता दी थी इसराइल ने। और अब जो है दोस्तों फिलिस्तीन जिस तरीके से हमास को पाल रहा है, हमास के आतंकवादियों को पाल रहा है, यहाँ पर इसराइल ने दोस्तों उनकी भी पूरी तरीके से कमर तोड़ दी है। हमास को भी असली औकात दिखा दी है इसराइल ने और बता दिया है कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। अब इसराइल जिस तरीके से दोस्तों व्यू रचना रच रहा है, इससे तो यही लग रहा है दोस्तों कि अगला नंबर पाकिस्तान का भी आ सकता है, तुर्की का भी आ सकता है, क्योंकि इसराइल के प्रधानमंत्री ने यहाँ पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी है। और ज़रूरी भी है दोस्तों, जो आतंकवादी होते हैं वो अशांति फैलाते हैं दोस्तों, निर्दोष लोगों को मारते हैं, ऐसे में दोस्तों आतंकवाद का खात्मा बेहद ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जब तक आतंकवाद रहेगा दोस्तों पूरी दुनिया में अशांति रहेगी। और जिस तरीके से अमेरिका ने एन वक्त पर एंट्री लेकर यहाँ पर इसराइल के हाथ मजबूत किए हैं, उससे ये चीज़ निकल कर सामने आ रही कि इसराइल अब कहीं से भी रुकने के मूड में नहीं है, बल्कि दुश्मन का पूरी तरीके से सफाया करके ही लौटेगा। दूसरी अपडेट ये भी आ रही है दोस्तों कि कहीं जो है दोस्तों देश जो है इसमें इस सीज फायर करवाने में जो है दोस्तों जुट चुके हैं। अमेरिका और इजिप्ट का नाम सबसे पहले आ रहा है, बताया जा रहा है कि अब जो है इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में सीज फायर भी हो सकता है अगर यहाँ पर दोस्तों क्यों और हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि अब जो है काफ़ी आतंकवादी मारे जा चुके हैं हमास के, इसराइल ने ताबड़तोड़ अटैक करके हमास की कमर तोड़ दी है पूरी तरीके से। तो ऐसे में दोस्तों अमेरिका और इजिप्ट लगातार जो है कोशिश कर रहे हैं सीज फायर करवाने की, जिससे कि जंग रुक जाए। कई बार क्या होता है दोस्तों, दुश्मनों के साथ साथ निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं, इसराइल जब रॉकेट दागता है तो हमास के आतंकवादी तो मारे ही जाते हैं, उनके साथ साथ कई बाह निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों पूरी दुनिया चाह रही कि जल्द से जल्द ये जंग रुक जाए और दोस्तों शांति हो जाए। इजराइल बोला ताबड़तोड़ हमले से हमास को कड़ा सबक सिखाया और आगे भी जारी रहेंगे हमले और सिखाएंगे जबरदस्त सबक। जी हाँ, इजराइल और फिलिस्तीन में 11 दिन के बाद हुए संघर्ष विराम को लेकर दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। सीज फायर के ऐलान के बाद फिलिस्तीनियों ने गाजा में सड़कों पर निकलकर जश्न मनाया। फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने इसे अपनी जीत बताई, दूसरी तरफ इसराइल ने हमास के लिए इसे बड़ा सबक बताया। जी हाँ दोस्तों, हमास के लिए इसे बड़ा सबक मिला बताया है। वहीं दोस्तों आपको ये भी बता दें, इसराइल ने हमास के लिए झटका भी करार दिया है। सीज फायर के ऐलान के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों ने कहा है कि ऑपरेशन गार्डियन ऑफ द वॉल्स हमास के लिए एक बड़ा झटका था जो आने वाले वर्षों में संघर्ष की रूपरेखा को बदल देगा। वहीं दोस्तों इसराइल ने साफ कर दिया है कि दुश्मन को बख्शा नहीं जाएगा, जब भी जरूरत पड़ी इसराइल की तोपें जो है बिना देरी किए घुस जाएगी गाजा पट्टी में और औकात दिखाएगी हमास को फिर से अगर हमास ने कुछ भी करने की कोशिश की तो। वहीं आपको बता दें, असल में यरूशलेम स्थित अल अक्सा मस्जिद में झड़प से शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया था। 10 मई को अल अक्सा मस्जिद में नमाजियों पर हमले और शेख जर्रा से फिलिस्तीनियों की बेदखली के विरोध में हमास ने इसराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। इसराइल ने जवाबी कार्रवाई में हवाई हमले किए, इसमें 219 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए और वहीं इसराइल में 11 लोगों की जान चली गई और कई सैकड़ों जो है आतंकवादी हमास के ढेर हो गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक प्रयासों के बाद इसराइल ने 21 मई को सीज फायर का ऐलान कर दिया था। हालांकि इसके बाद भी दोस्तों बीच बीच में छुटपुट घटनाएं होती रही थी और माना जा रहा है कि अब भी वापस जंग छिड़ सकती है अगर हमास अपनी औकात में नहीं आता है और आतंकवादी सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर इसराइल जो है जबरदस्त तरीके से एक बार फिर से लड़ाकू टैंक जी हाँ दोस्तों आर्मी टैंक उतार सकता है, गाजा पट्टी में तोपें उतार सकता है। सीज फायर के ऐलान के बाद शुक्रवार को इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और सुरक्षा अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नेतन्याहू ने कहा, जनता सब कुछ जानती है, हमास सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हमारी सभी उपलब्धियां समय के साथ सामने आएगी। पीएम ने कहा, इस समय मैं कह सकता हूं कि हमने साहसी और नई चीज़ें की हैं और आने वाले वक्त में जरूरत पड़ेगी तो हमास को उसकी असली औकात और भी दिखा देंगे। जिस तरीके से अभी हमास की कमर तोड़ी है, जरूरत पड़ी तो आने वाले वक्त में हमास को एक बार फिर से दोस्तों पटकनी देने के लिए इसराइल की थल सेना तैयार है और लगातार यहाँ पर इसराइल के लड़ाकू विमान तैयार है, जो किसी भी वक्त जरूरत पड़ी तो जो है दोस्तों बंकर पर नज़र रखे हुए हैं। इसराइल के लड़ाकू विमान सुरंगों पर नज़र रखे हुए हैं, जहाँ भी आतंकवाद फैलाने की साजिश दिखेगी यहाँ पर इसराइल की सेना को, वहाँ पर उनकी साजिश के साथ साथ तमाम आतंकियों को ढेर कर देगा इसराइल के लड़ाकू विमान और इसराइल की तोपें। दूसरी तरफ आपको बता देना चाहते हैं, इसराइल इस वक्त भी दोस्तों थमा नहीं है। कहने को भले ही सीज फायर हो गया, लेकिन लगातार उसकी निगाहें फिलिस्तीन और उसके आतंकी संगठन हमास पर हैं, क्योंकि हमास ही दोस्तों असली वजह है जंग की, क्योंकि हमास आतंकवादी संगठन है और लगातार यहाँ पर इसराइल पर अटैक करने की कोशिश करता है। तो ऐसे में दोस्तों इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू साफ कर चुके हैं कि दुश्मन को बख्शा नहीं जाएगा, लगातार दुश्मन पर नज़र जो है रखी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आने वाले वक्त में और भी संघर्ष देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस वक्त जो है दोस्तों